भक्तों से पूछा कि प्यारो जब तुम प्रसन्न होते हो तो क्या करते हो? तो भक्तों ने कहा, प्रभु जब हम प्रसन्न होते हैं ना, तब हम आपके नाम का गीत गाते हैं, गान गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु, उसी में हमें प्रसन्नता मिलती है। तो भगवान ने सोचा, जब मेरे भक्त प्रसन्न होकर मेरे नाम का गान गाते हैं तो क्यों ना मैं भी उनके लिए कोई गीत गाऊं। तो मेरे भगवान ने अपने भक्तों के लिए गीत गाया, इस गीत का नाम है मुकुंद गीत, भागवत गीत, जिसमें भक्तों की ही महिमा का वर्णन है। बार बार ये बात कही गई, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, भक्त मेरे शीश मणि। इस भागवत में केवल भक्तों की महिमा का वर्णन है। इसलिए आइए एक और परम भक्ति की कथा श्रवण हम करें, मोक्ष की कथा हम श्रवण करें, कथा श्रवण करें गजेंद्र मोक्ष की। सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में हम आगे बढ़ेंगे और आज की कथा हमारी कृष्ण जन्म तक जाएगी। आज बड़ा सुंदर महोत्सव रहेगा। हाँ, आज का दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का परम दिन है, बड़ा प्यारा दिन है। तो आइए हम और आप सभी सूक्ष्म सूक्ष्म कथाओं को श्रवण करते हुए सीधे बढ़ेंगे कृष्ण जन्म की ओर। आसीत गिरिवरो राजन राजश्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेन वृतः श्रीमान्योज मान्योजायुतम श्रितः। हे प्रक्षित, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक सुंदर पर्वत है। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतं तुम नाम आक्रीडनं सूर्ययोषिताम। पर्वतराज त्रिकूट की तलाई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का सुंदर स्थान है। उसका नाम ऋतु मैन है, उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती हैं। महाराज उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथियों के साथ कहते हैं गज रहा करते थे, एक हाथी रहा करते थे। हाथी को अपने बल के ऊपर बड़ा अभिमान था। कहते हैं जीवन में अगर अभिमान आए ना, समझ जाना चाहिए कि मेरा पतन शुरू हो गया है। सपने में भी अगर मुझसे अभिमान की बू आए, हम मुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना। हाँ, एक भाव लिखा था किसी महापुरुष ने, हाँ, कि सपने में भी अभिमान की बू जीवन में नहीं आनी चाहिए प्यारे। कई बार हम ये बात कहते हैं भागवत में, हाँ, इस संसार में जीव के विनाश के दो कारण होते हैं, एक उसका अहम और दूसरे उसके अहम का वहम। हाँ, एक तो मैं और एक मेरा होने का अभिमान। हाँ, आई इज ऑलवेज कैपिटल, हाँ, वल है ना, जहां बैठेगी बड़ा बन के बैठेगा। इसलिए जो मैं है ना, ये बहुत बुरा है प्यारे, ये समाप्त तो हो जाए हमारा बस। गज को हुआ था अभिमान, इसलिए उत्श्रृंखल हो गया था गज, पत्नी को संग लेके उसी नदी में आज स्नान करने के लिए निकला। सूंड से जल भरता और भर भर के पत्नी के ऊपर बच्चों के ऊपर गिराता, मद में चूर हो गया और भगवान को भूल गया। प्यारे देव माया से ग्रसित कहते हैं वो भगवान ही थे जो ग्रह बन के आए। ग्रह बन के मेरे भगवान ने आज गज के पांव को जकड़ लिया। जकड़ इतनी मजबूत थी
कि हजारों कोशिशें करके भी गज पावन को ना छुड़ा पाया। अंततः पत्नी बच्चे पास खड़े रहे बहुत देर तक, जब उन्होंने देखा कि अब ये छूट नहीं सकते तो वो पत्नी और बच्चे भी छोड़ के जाने लगे। गज ने पत्नी से कहा, कहरी देवी तुम्हारी पालना के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किस किस से मैं नहीं लड़ा, किस किस से मैं नहीं झगड़ा, आज जब मेरा बुरा समय आया तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। जीव कहता है ये बात अपने परिवार को, हाँ, कि मैंने तुम्हारे लिए कितना दुनिया से झूठ बोला, व्यापार में कितना झूठ बोल के तुम्हारी पालना करी, हाँ, परिवार को पालने के लिए मानव क्या क्या नहीं करता। परंतु प्यारे जब अंतिम समय आता है ना, तो फिर कोई किसी का साथ नहीं देता। यही तो हुआ गज के साथ। गज ने रोका परंतु परिवार ना रुका, छोड़ के जाने लगा। रोया गज, रोते रोते कहता है कि तुम नदी के तीर पर खड़ी होके मुझे मरता हुआ तो देख सकती हो, मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी कि जब मैं मर रहा था मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार मेरे सामने खड़ा था। परंतु वो निर्मोही हथनी ना मानी। अच्छा, कहते हैं पीछे मुड़के भी नहीं देखा गज को मरते हुए और घने वन में वो प्रवेश कर गए, अपने घर को चले गए। वो गज जिसने आज तक जीवन में कभी भगवान को याद नहीं किया था, आज जीवन में वो पहली बार रोया और रोके उसने भगवान को याद किया। एक साहूकार थे, सदा सत्संग में जाया करते थे, भगवान नाम की चर्चा सुना करते थे, संतों के मुख से बार बार सुना करते थे कि केवल भगवान का नाम सच्चा है, बाकी संसार में जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, सारे झूठे हैं। वो कहते जब तक ये बात मैं अपने जीवन में लागू करके ना देख लूं तब तक कैसे मान लूं। हम इसलिए एक दिन सत्संग में कहीं सुन के आए थे ये बात, घर में आए, कहा जो तो इस बात को अपना के देखूंगा। साहूकार के तीन बेटे थे, तीन बेटियां, सबके विवाह हो चुके थे, बहुएं घर में आ चुकी थी। इसलिए पत्नी को कहा जब मैं बीमार हूं, ठीक है महाराज आप लेट जाएं, औषधि इत्यादि लेके सेठ जी साहूकार लेट गए। रात के समय साहूकार बिस्तर से उठे और घर के बीच में एक सोने का खंबा लगा था, उसमें पांव फंसा के लेट गए। सुबह पत्नी उठी, पति को देखा बिस्तर पर नहीं है, ढूंढते ढूंढते नीचे गई तो जाके देखा, साहूकार ने श्वास रोक रखे थे अपने और पांव फंसा के लेटे थे। पत्नी पास गई, जाके देखा, रे ये तो मर चुके हैं, हा? इसलिए रो रो के बुरा हाल कर दिया। सारे रिश्तेदार आ गए, रिश्ते नाते वाले सभी आ गए। अब दिन आगे को बढ़ा, लोगों ने कहा इसको उठाओ, इसको उठाओ, अब इसमें नहीं तो बदबू पैदा हो जाएगी थोड़ी देर में, हा? ये शरीर ही है प्यारे, जब तक इसमें श्वास होते हैं ना सबको अच्छा लगता है, जब ये मरता है ना तो ये आपके जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना यही सबसे पहले बोलते हैं इसको जल्दी उठाओ, इसमें बदबू ना हो जाए, हाँ हमारे अपने ही ये बात बोलते हैं सबसे पहले, इसलिए। और भगवान ने ये प्रकृति का जो नियम बनाया ना इसीलिए तो बनाया, हाँ तन में दुर्गंध पैदा कर दी, तन में दुर्गंध पैदा कर दी किस लिए, कि कहीं जीव इसको भी इकट्ठा ना कर ले, इसको भी संभाल के ना रख ले, ये जल जाए तो ही अच्छा। इसलिए कहते हैं कहा जलाओ जलाओ इसको उठा के, कहा महाराज पहले इनका पांव तो निकालो खंभे में से, तभी ही तो जलाएंगे। पांव निकालने लगे सेठ जी का, पांव जकड़ा रखा था बड़ी जोर से। अब लोगों ने कहा महाराज ये पांव जकड़ा रखा है ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए खंबे को तोड़ना पड़ेगा फिर जाके पांव निकलेगा। अब महाराज कहा चलो फिर खंबा तोड़ो, लोगों ने कहा। जैसे ही खंबा तोड़ने के लिए लोग लगे, जो पत्नी थी पहले बड़ी रो रही थी एकदम से चुप हो गई,
और चुप होके कहती है, कह रे बेटा इन रोको खंबे तोड़ने वालों को। कहा क्यों माता, पाव नहीं निकालना पिताजी का। कहा बेटा तेरे पिताजी ने ही ये खंबा बनवाया था, जब ये बना था इस पे कई लाखों रुपया लगा था, ये खंबा टूटेगा इसको फिर से बनवाना पड़ेगा, ये तो मरे ही चुके हैं, आरी वाले को बुलाओ ना, इनके पाँव को ही काट दो, शरीर तो जलेगा ही पाँव भी साथ में जल जाएगा, पाँव भी साथ में जल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, शरीर तो मर चुका, कौन सा दर्द होएगा उसको। आरी वाले को बुलाया गया महाराज, पाँव के ऊपर जैसे ही आरी रखी, सेठ जी राधे राधे करके खड़े हो गए। और सेठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कौ कश्य पत्नी कौ कश्य पुत्र अर्थकालीन संबंध कौ कश्य परिवेदना। अरे कौन किसकी पत्नी, कौन किसके पुत्र, पत्नी का संबंध घर के द्वार तक और पुत्रों का संबंध शमशान घाट तक, उसके बाद तो जीव का कर्म उसके साथ जाएगा प्यारे, हाँ माटी का तन है आग में जल जाएगा, हाँ पीछे राख बचेगी बाकी और कछु नहीं बचेगा, या बचेंगे तुम्हारे किए हुए सत्कर्म, तो फिर प्यारे किसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। आज गज ने सोचा कि दुनिया के लिए तो आज तक बहुत कुछ किया, दुनिया को पुकार के भी देख लिया अपने दुख में दुनिया नहीं आई, इसलिए क्यों ना एक बार अपने नारायण को भी आज पुकार के देख लिया जाए। और गज ने एक पुकार करी भगवान के समक्ष, पुकार में बड़ी करुणता है, आओ हम सब मिलके इस पुकार को अपने भगवान के समक्ष करें, शायद हमारी पुकार को भगवान सुनने में। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, बड़ा प्यारा भाव है। आइए अपनी बहन ठाकुर को पकड़वाते हुए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
गजने पापों का है भारी मेरे सिर पाप की कठड़ी वजन पापों का है भारी मेरे सिर पाप की कठड़ी पूछ पापों का है भारी मेरे सिर तुम्हारे भरोसे पर जमाना
लगन में, ये मन की अगन को बुझाने में केवल एक नाम सामर्थ्य वाले हैं। वो नाम है सदगुरु का, वो नाम है मेरे भगवान का। लगी है आग नफ़स में बुझी ना बुझाने से, लगी मेरे सिरे पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाऊं मैं, आप युगे ती बताओगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। गोविंद, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। गज की इस करुण पुकार को मेरे भगवान ने सुना और कहते हैं हृदय की पुकार को भगवान जरूर सुनते हैं। प्यारे, रहा नहीं गया मेरे भगवान से। गरुड़ से कहा भगवान ने, तेज दौड़ो गरुड़, और कहते हैं जब गरुड़ तेज ना दौड़ सका तो मेरे भगवान ने अपने भक्त के लिए छलांग लगा दी। और प्रभु अपने आने से पहले ही मेरे भगवान ने अपना सुदर्शन चला दिया, ग्राह की गर्दन धड़ से विलग कर दी। पूछा था गज ने बाद में भगवान से कि प्रभु आपने मेरे से पहले मेरे पांव पकड़ने वाले का कल्याण क्यों किया? और कहा था भगवान ने कि प्यारे, मैं कल्याण करता हूं पहले उसका जो मेरे भक्त के पांव पकड़ता है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। खींच लिया हाथी को अपनी ओर भगवान ने, जड़ था गज कुछ
स्तुति करने नहीं आती थी भगवान की, हाँ, परंतु फिर भी भगवान ने वाणी दी, वाणी को देने वाले मेरे परमात्मा हैं, गजने भगवान की स्तुति करिए। ओम नमो भगवते तस्मै यत् तच्चिदात्मकं पुरुषादि बीजाय कि जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजते हैं और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं जिनके कारण संसार में चेतना का संचार होता है और भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। यस्मिन् इदं च यतशीलम् येन इदं च इदं स्वयं यो अस्मात् परस्मा च परस्तं प्रपद्यते स्वयं भुवं। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है और वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब होने पर भी वे संसार व इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं और स्वयं वो इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। कि प्यारे भगवान के स्वरूप को कोई भक्त ही समझ सकता है, इसलिए सुंदर स्तुति गजने भगवान की करिए। और कहते हैं कि भगवान ने उस गज को आज परम तत्व दिया, अपने भक्तों में स्थान दिया और कृपा करी गज के ऊपर मेरे भगवान ने, हाँ, कि प्यारे परमात्मा कृपा करते हैं, हाँ, वो सब पे कृपा करते हैं, जड़ चेतन जीव जंतु पशु पक्षी जल चर नभचर फल चर, वो भगवान सब पे कृपा करते हैं। हाँ, एक बार हम शरणागत तो हो जाएं, हाँ, वो शरण आए हुए की रक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम शरणागत वत्सल है, इसलिए उनका नाम दयानिधि है, इसलिए उनका नाम कृपालु है। जैसी कृपा मेरे भगवान ने गज के ऊपर करी, ऐसी कृपा भगवान हम सब के ऊपर करें। बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव अनेकों अनेक उपाख्यान सुनाते हुए सूक्ष्म रूप में आगे चल के कथा श्रवण कराई महाराज अम्बरीश की। ये कथा है एकादशी महात्म्य की, कि प्यारे क्या महत्व है एकादशी का। कई बार लोग पूछ बैठते हैं कि महाराज क्या होगा एकादशी व्रत, व्रत को धारण करने से उपवास का क्या मतलब होता है। आइए इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्रवण कराई गई कथा एकादशी महात्म्य की महाराज अम्बरीश की। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपं वतिमहि अव्ययामभये श्रीं लब्ध्वा विभवम् चातुलं भुवि। कि महाराज अम्बरीश इनके जीवन में सारे सुख हैं, परंतु इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख माना हरि नाम को, प्रभु नाम को, इसी को ही जीवन का सदाधार माना। और राजा हैं परंतु प्रभु को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। राजा सदा एकादशी का व्रत किया करते थे, हमेशा व्रत किया करते थे, परंतु इस वर्ष राजा ने कहते हैं पूरे साल को ही एकादशी मान लिया, यानी 365 के 365 दिनों को ही राजा ने एकादशी मान लिया। और राजा पूरे वर्ष का व्रत करते हैं, हरि नाम शालिग्राम भगवान का स्नान कराते हैं, ठाकुर पूजन करते हैं, हाँ, भगवत नियम करते हैं, हाँ, ऐसी ऐसा नियम है राजा का। प्रभु समय बीता,
और राजा ने आज वो शुभ मास आया प्यारे, हाँ कार्तिक मास। कार्तिक मास में राजा ने कहते हैं कि 3 दिनों का निर्जला व्रत रखा। इससे पहले राजा कुछ ना कुछ लेते थे, परंतु आज राजा ने 3 दिनों का निर्जला व्रत रखा। हाँ, नवमी दशमी व एकादशी तीनों दिन तक राजा निर्जला होके, द्वादशी तिथि में एकादशी का जो उदापन होता है वो द्वादशी में होता है। तो राजा द्वादशी तिथि में आज उदापन करने के लिए, व्रत का नियम करने के लिए संत ब्राह्मणों को जो गत पिछले कई दिन से वहाँ पर ठहरे थे, सभी को राजा ने सबकी सेवा करी और अन्न धन वस्त्र इत्यादि सब कुछ दान किया। कि आजकल तो एकादशी का व्रत कुछ नियम हम देख रहे हैं कम हो गए जब उदापन होता है। वैसे नियम है एकादशी का उदापन का कि भागवत कथा के साथ अगर एकादशी का उदापन हो तो अत्यधिक फलदायी होता है। यानी द्वादशी तिथि से, पंचमी तिथि से कथा शुरू हो, द्वादशी तक जाए, द्वादशी वाले दिन यज्ञ भंडारा इत्यादि करके फिर उस दिन एकादशी का उदापन किया जाए। तो राजा ने नियम से कार्य किया और द्वादशी तिथि को कहते हैं कि जैसे ही संत ब्राह्मणों को भोजन करा दिया और राजा स्वयं जल की बूंद लेने लगे, उसी समय श्री दुर्वासा जी महाराज अपने शिष्यों के संग वहां आए और आके कहते हैं कि हे राजन, हमें भोजन करना है। शिष्यों के संग आए थे इतने देर में, हम जमुना महारानी में स्नान करके आते हैं, आके भोजन करेंगे। कहा ठीक है महाराज। श्री दुर्वासा जी महाराज जमुना महारानी में स्नान करने गए, द्वादशी की मात्र कुछ घड़ियां शेष रह गई, परंतु दुर्वासा जी वापिस नहीं आए। संत ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि राजा का व्रत कहीं खंडित ना हो जाए, इसलिए महाराज संत ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि हे राजन, जल की बूंद लेने से व्रत खंडित भी नहीं होता और परायण भी हो जाता है, इसलिए आप जल की बूंद ले लो। संत ब्राह्मणों के परामर्श पर राजा ने जैसे ही जल की बूंद मुख में डालनी चाही, उसी समय क्रोध की मूर्ति श्री दुर्वासा जी महाराज वहां आ गए। क्रोध में तिल मिलाए, रे राजन, संत ब्राह्मणों को घर में बुला के स्वयं भोजन करता है। संत को लगा कि इसने भोजन करके अभी अभी आचमन किया है, इसलिए जा तुझे अभी मैं इसका दंड देता हूं। जटाएं खोली, भूमि में पटकी, उसमें से कृत्या राक्षसी प्रकट हुई, संत को मारने दौड़ी, राजा को मारने दौड़ी। हाँ, राजा को जैसे ही मारने दौड़ी, अहर्निशम भगवान का सुदर्शन चक्र अपने भक्तों के लिए जो सदा तैयार रहता है चल गया। भगवान ने सुदर्शन चलाया, कृत्य की गर्दन धड़ से विलग गई। अब तो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ा। श्री दुर्वासा जी महाराज कंदराओं में छुपते छुपते कहते हैं ब्रह्मा जी की शरण में गए, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, शिव कुछ कर सके तो उनकी शरण में जाओ। श्री दुर्वासा जी महाराज शिव जी की शरण में गए। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा जिसने चक्र चलाया है वही कुछ कर सकते हैं। दौड़े हुए श्री हरि की शरण में दुर्वासा जी गए, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु त्राहि माम रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री हरि ने कहा हे प्रभु, हे दुर्वासा जी, मैं इस संसार में अपना अपराध क्षमा कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई मेरा अपराध करे, कोई मेरा अपराध करे, मैं क्षमा कर सकता हूं, परंतु मैं अपने भक्त का अपराध सहन नहीं कर सकता। भृगु ने भगवान की छाती पे लात मारी थी, दुनिया घबरा गई, भृगु का अब क्या होगा। कहा भृगु के साथ क्या होगा। भगवान ने भृगु के पांव पकड़े, कहा महात्मन, हे संत, हे महात्मन, मेरी छाती पत्थर के समान कठोर है, आपके पांव कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आई। अपने अपराध को भगवान क्षमा कर सकते हैं प्यारे, परंतु अपने भक्त के अपराध को भगवान क्षमा नहीं कर सकते। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे शीश मणि, भक्त मेरे मुकुट मणि। इसलिए अम्बरीश का तुमने अपराध किया, अगर अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दे तो कर दे, मैं नहीं कर सकता। उनकी शरण में जाओ। दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में जाने लगे,
परंतु ब्रीज तो पहले ही हाँ करुणा की मूर्ति है महाराज। घबरा गए कहीं संता के मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाए, उससे पहले ही अम्बरीश जी महाराज संत सदगुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। हे गुरुदेव, मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, भागना पड़ा, मुझे क्षमा करना। कह दिया सुदर्शन को, हे सुदर्शन, जीवन में मैंने जितने भी पुण्य किए हैं, अगर ये सारे पुण्य दे के भी संत के जीवन की रक्षा हो जाए तो मैं अपने सारे पुण्य देता हूँ। जैसे ही सुदर्शन से कहा, सुदर्शन वहीं से वापस चल पड़े। संत जीवन की रक्षा महाराज अम्बरीश ने करी। तो प्यारे दुनिया जब पूछती है ना क्या महत्व है एकादशी व्रत का, ये महत्व है एकादशी व्रत का। आपकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान आके खड़े हो जाते हैं, ऐसा महत्व है इस व्रत का। सूक्ष्म सी चर्चा करते हुए आगे बढ़े हम। व्रत रखना कैसे चाहिए, कई बार लोग पूछते हैं ये बात। व्रत का तात्पर्य है उपवास। उप माने समीप, वास माने बैठना। परमात्मा के पास बैठकर, वैसे एकादशी का व्रत जो होता है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, रात से। रात्रि काल में ही भोजन का त्याग करके हमें शुद्धि से आसन ग्रहण करना चाहिए। प्रातः काल शीघ्र उठ के शालिग्राम भगवान को स्नान करके, स्वयं स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान करके, तुलसी इत्यादि अर्पित करके सतगुरुदेव द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसको करते हुए दिन भर हरी चर्चा, हरि नाम लेते हुए। संसारी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही संसारी की चर्चा करनी चाहिए। भगवान के दो विग्रह हैं, एक अर्चा विग्रह है, दूसरा चर्चा विग्रह है। भगवान कहते हैं मुझे अर्चा विग्रह से ज्यादा चर्चा विग्रह अच्छा लगता है, जो मेरे नाम की चर्चा करता है ना वो मुझे बड़ा भाता है। इसलिए चर्चा करो तो भगवान नाम की, झूठे जगत की क्या चर्चा करनी मेरे प्यारे। सच्चे परमात्मा के नाम की चर्चा करो, संसार की चर्चा छोड़ दो। और व्रत वाले दिन तो बिल्कुल गलती से भी संसार की चर्चा मत करो, केवल हरि नाम की चर्चा। खाओ तो क्या खाओ, कई लोग कहते हैं अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। अन्न में निद्रा है, और व्रत वाले दिन सोना भी नहीं चाहिए। सो गए तो समय बीत गया, फिर परमात्मा के लिए समय कहां निकल पाएगा। एकादशी का तो इतना महत्व बताया है, एकादशी को दिन तो दिन, रात को भी नहीं शयन करना चाहिए। कहते हैं रात को भी हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। सारी रात ना हो सके तो दोपहर तो करो। रात गवाई सोए के, ऐसे ही रात्रि का भी क्या लाभ प्यारे। उस दिन हरि नाम कीर्तन करो बैठ के। ग्रहण करो केवल उतना जिसमें नींद निद्रा ना हो, नींद ना आए। इसलिए हरि नाम को जपते हुए द्वादशी तिथि में सुबह उठ के स्नान करके शालिग्राम भगवान को खिचड़ी इत्यादि प्रसाद का भोग लगा के फिर उसे ग्रहण करो, बांटो और फिर अपने व्रत को विराम दो। ऐसा नियम एकादशी का। आइए इस कथाक्रम को हम प्रणाम करें। प्रणाम करें एकादशी महात्म्य को। बोलो श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। प्रश्न किया था श्री सुखदेव जी भगवान ने राजा, सुखदेव जी भगवान से राजा परीक्षित ने कि हे सतगुरुदेव, ये भागवत में कृष्ण से पहले राम क्यों आते हैं, क्यों राम आते हैं पहले। उत्तर दिया था सतगुरुदेव ने, भगवान श्री राम स्वरूप है धैर्य का। किसका स्वरूप है? राम धैर्य का। और श्री कृष्ण स्वरूप है चंचलता का। चंचलता को वही बचा सकता है जिसने जीवन में पहले धैर्य को धारण किया हो। कृष्ण को वही बचा सकता है जिसने राम को समझा हो। राम को जो समझ ले वही कृष्ण को समझ सकता है प्यारे। इसलिए सामंजस्य बिठाने के लिए कृष्ण से पहले राम आए। तो आइए हम और आप सब श्री राम जन्म महोत्सव बड़े हर्ष के साथ आज मनावेंगे और
अति उत्साह के साथ इन आनंदों में डूबते हुए। और बंधुओं, श्री राम जन्म हम श्रवण कराएं उससे पहले फिर आप सभी भक्तजनों, आज कथा का ये हमारा चतुर्थ दिवस, और इस चतुर्थ दिवस में आज कृष्ण जन्म महोत्सव, और आज से जो चर्चा है वो भक्ति ज्ञान से, ये चर्चा बढ़ते बढ़ते भगवान नाम की प्रेम चर्चा, वात्सल्य चर्चा शुरू हो रही है। एक समय की बात है, महाराज इक्ष्वाकु के शिकवा से कहते हैं कि एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम है महाराज इक्ष्वाकु, कि प्रभु बड़े ही प्रतापी राजा हुए महाराज इक्ष्वाकु, इनके पुत्र अनेजा और अनेजा के पृथु और इनके विश्वरंध्री, इस प्रकार से ये कुल आगे बढ़ा और इसी कुल में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ योनाश्व। योनाश्व जी महाराज इनके संतान नहीं होती थी, इसलिए इन्होंने एक यज्ञ किया जिस यज्ञ का नाम है पुत्रेष्ठ यज्ञ। यज्ञ का नियम था कि पति पत्नी नियम के साथ यज्ञ मंडप में भी में ही शयन करते थे, सोते थे। कहते हैं अर्धरात्रि में पति पत्नी सो रहे थे, रात्रि को प्यास लगी राजा को, और राजा ने गलती से उसी जल को पी लिया जिसे ब्राह्मण अभिमंत्रित कर रहे थे कि इस जल को रानी पिएगी और उसके संतान होगी। और प्रबल इच्छा प्रभु की, कहते हैं राजा की कुक्षी से एक संतान पैदा हुई, और वो संतान पैदा होकर रोने लगी। अब सब चिंतित तो हो गए महाराज कि बालक रो रहा है, बालक को दूध कौन पिलाए। कहते हैं इंद्र ने अपनी तर्जनी दी, कहा माम धाता मैं दूंगा इसे दूध मैं पिलाऊंगा। माम धाता कहने के कारण इस बालक का नाम पड़ गया माम धाता। बड़े तपस्वी राजा हुए मानधाता महाराज। कहते हैं ये कुल आगे को बढ़ा और इसी कुल में आगे चलकर महाराज एक रानी के संतान नहीं होती थी, दो रानियों के संतान हुई थी, राजा की तीन रानियां थी, इसलिए कहते हैं कि दोनों रानियों ने उस रानी को जहर दे दिया, किसके संतान ना हो, अगर संतान हुई तो राज्य का भाग्य से मिलेगा, परंतु जहर देने के बाद भी उस रानी के संतान हो गई, जहर के साथ वो हुआ था, इसलिए उसका नाम हुआ सगर। सगर, बोलो श्री सगर जी महाराज की जय। सगर जी महाराज के दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुमति, दूसरी का नाम है केशनी। प्रभु राजा ने यज्ञ अश्व छोड़ा, जो भी इसको पकड़ेगा मेरे संग युद्ध करेगा, इसलिए महाराज इनके इस यज्ञ पशु को इंद्र चुरा के ले गए और पाताल में कपिल भगवान के आश्रम में जाके उस यज्ञ पशु को छुपा दिया। महाराज राजा ने आज अपने पुत्रों को भेजा, जाओ यज्ञ पशु को ढूंढो, और वो पुत्र ढूंढते ढूंढते कहते हैं कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे। जैसे ही यज्ञ पशु को बंदा देखा, वो पुत्र कपिल भगवान को मारने दौड़े, ऋषि के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुले वो दृष्टि राजाओं पर पड़ी, वो 60,000 पुत्र वहीं भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी केशनी से उत्पन्न असमंजस के पुत्र अंशुमान, जो सदा सगर की सेवा में लगे रहते थे, साधु प्रवृत्ति के थे ये, सगर की ही आज्ञा से यज्ञ पशु को ढूंढते ढूंढते जब महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे, यज्ञ पशु को बंदा देखा और अपने वंशजों को मरा देखा, प्रणाम किया ऋषिवर को, संत हृदय द्रविभूत हुआ। पर महर्षि कपिल ने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है, इसलिए तुम गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न करो। महाराज अंशुमान अपने पूरे जीवन गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न करते हैं, इनका पूरा जीवन निकल जाता है,
इन्हीं के आगे चलकर पुत्र हुए महाराज दिलीप। गो सेवा के कारण जिन्होंने अपने तन तक को सिंह के समक्ष प्रकट कर दिया कि हे सिंह पहले मुझे खा फिर तो गौ को कष्ट पहुंचा सकता है। वो सिंह जब भगवान के रूप में परीक्षा लेने आया था, महाराज दिलीप इसी कुल में हुए महाराज, और इन्हीं महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। यह भाग्यम ददाति सा भागीरथ, जो भाग्य को देने वाला है वो भागीरथ है। श्री भागीरथ जी महाराज ने अपने जीवन में बड़ा भारी तप किया और उसी तप के प्रभाव से फलीभूत होकर गंगा मैया कहते हैं कि स्वर्ग से हिमालय की ओर बड़ी धरती पर आई। गंगा नाम नहीं, गंगा आत्मा है भारत की, गंगा प्राण है सनातन के। और कहते हैं गंगा नाम मात्र उच्चारण होने से सब प्रतीत होता है कि गंगा हरिद्वार में ना बह के गंगा हम सब के मध्य बह रही हो। सरिता के रूप में ये गंगा आज हम सबका कल्याण कर रही है। भगवान शिव के शिव से दो गंगाएं निकली, एक गंगा भगवान की जटा से निकली और एक गंगा भगवान के मुख से निकली। जटा रूपी गंगा ने जगत का कल्याण किया कि तन का स्नान करके जगत ने स्वयं को पवित्र किया, और कथा रूपी गंगा से जगत के मन का कल्याण हुआ। इसलिए दोनों ही गंगाओं का सृजन शिव से होता है प्यारे। आज गंगा मैया धरती पर आई और गंगा आज कल्याण करती है समस्त उन ऋषियों का, उन राजाओं का। 60,000 पुत्र फिर से जीवित होते हैं, वो कुल आगे बढ़ता है और कहते हैं कि प्रभु ये कुल आगे बढ़ा और भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत से सिंधु द्वीप, और कहते हैं सिंधु द्वीप से अयुताशु, अयुताशु से ऋतुपर्ण, सर्वकाम सोदाम अश्मक मूलक एडविक। यूं करते करते इसी कुल में आगे चल के महाराज दशरथ हुए। दशशौ दिक्षौ रथो यश्ये, जिनका रथ दसों दिशाओं में विद्यमान रहता है, ऐसे हैं श्री दशरथ जी महाराज। कहते हैं हम कि मानव देवताओं की रक्षा नहीं कर सकते, परंतु प्यारे महाभारत के शांति पर्व में लिखा है ना मानुषात श्रेष्ठ तर ही किंचित, कि प्यारे मानव भी देवताओं की रक्षा कर सकते हैं। दशरथ जी महाराज इसका एक उदाहरण है। दशरथ का अर्थ यह भी हो सकता है दसों इंद्रियों पर नियंत्रण जिनका रहता है, इसलिए महाराज दशरथ जी का अपने इंद्रियों पर पूर्णतः वश है। दशरथ जी के जीवन में महाराज सारे सुख हैं, दुख है तो केवल एक, दुख है तो केवल एक। गुरुदेव वशिष्ठ के शब्दों में दशरथ की मनास्थिति बतलाई गई। और प्रभु सतगुरुदेव का वचन था कि राजन क्यों चिंता करते हो, एक नहीं चार चार होंगे, और आज मानो वो शुभ तिथि आई। कौन सी तिथि? जोग लगन ग्रह पार तिथि, जोग लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल चरे अरे चरे हर्षे जुते, श्री राम जन्म सुख मूल चरे अरे चरे हर्षे जुते, राम जन्म सुख मूल। प्रभु आज वो शुभ तिथि आई कि मानो जोग लग्न ग्रह बार तिथि, सब अनुकूल हो गए और आज चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल, मेरे भगवान का आज जन्म हो रहा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने गोपार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने गोपार। प्रभु संत ब्राह्मणों और
सबकी रक्षा के लिए आज मेरे भगवान का प्रकट हुआ है। अवध में बधाइयां गाई जाने लगी प्यारे, आइए आज एक बधाई के संग श्री राम जन्म महोत्सव को हम विराम देवे और कृष्ण जन्म की ओर बढ़े। सभी बड़े भाव के साथ मेरे संग इस बधाई को गाते हुए, इस उत्सव को मनाते हुए हम जननी है चारों भैया अवध में बजे बधैया, 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 बजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, जननी है जननी है ओ जननी है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जननी है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जननी है इस सुख की अनुभूति करते हुए भागवत में कम समय होता है राम जन्म को कहने का, परंतु फिर भी श्री राम जन्म तक की कथा अभी हमने श्रवण करी। प्रणाम करें हम श्री राम जन्म के इस पावन प्रसंग को, और आइए हम और आप सब श्रवण करने जा रहे हैं सीधे कृष्ण जन्म, और इस उत्सव को हम और आप सब बड़े ही भाव के साथ बड़े ही प्रेम के साथ मनावेंगे, और आज इस आनंद में हम और आप सब डूबेंगे भगवान नाम के बड़े ही सद्भाव के साथ बड़े ही प्रेम के साथ। बंधुओं,
कृष्ण जन्म को हम कहें सभी माताएं सीधे होकर अपना अपना सर ढक के बड़े ही सद्भाव के साथ आज कृष्ण जन्म महोत्सव को हम और आप सब हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़े चले हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़े चले हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़े चले हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़े चले जो कुछ पाया इसे दुनिया से जो कुछ पाया इस दुनिया से जो कुछ कुछ पाया इस दुनिया से वो पास जगत के छोड़ चले 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 हम वसुदेवा कथा प्रश्न पुरुषार्थिन पुनाति वक्तारं पृच्छं श्रोत्रिम् स्तपादे परीक्षित बोले ही महात्मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेके मेरे स्वधाम गम्य पिता महा कुरुओं की विशाल सेना रूपी भवसागर को नया से ही पार कर गए जैसे बछड़े के घुर से बने गड्ढे को जीव पार कर जाता है आप उन्हीं श्री कृष्ण की माधुरी अमय लीलाओं को मुझे श्रवण कराएं
अब बस मेरे हृदय में केवल एक ही भाव है, उस भाव का नाम है कृष्ण भाव। सदगुरुदेव हर्षित हो गए। जल पूछा गुरुदेव ने, राजन जल पी लो, चार दिन हो गए तुम्हें कथा सुनते सुनते, थोड़ा सा जल तो पी लो। हाँ कहने ही सदगुरुदेव, अब तो बस केवल एक प्यास है, कृष्ण तत्व की प्यास है, अब किसी जल की मुझे जरूरत नहीं। पिपासु को की प्यास बुझानी चाहिए, हाँ इसलिए सदगुरुदेव सुनाते हैं। तो सुनो राजन। वासुदेवा गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परम जनिष्यति तत्प्रियार्थम् संभवन्तु स्त्रियः वासुदेवा कलानन्दः सहस्रवदनः सराट अग्रतो भविता देवो हरि प्रिये चिकीर्षय हरि प्रिया चिकीर्षय विष्णुर्माया भगवती यथा सम्मोहितम् जगत आदिष्ठा प्रभुनाशेन कार्यर्थे संभविष्यति कि वसुदेव जी महाराज के घर पे स्वयं साक्षात भगवान का प्रकट हुआ। जनिष्य तत्प्रियार्थम संभवन्तु स्त्रियः, माने सारे जगत का कल्याण करने के लिए मेरे भगवान आज धरा के ऊपर आ रहे हैं। यदुवंशी राजा सूरसेन मथुरा मंडल तथा सूरसेन मंडल के अधिपति हैं महाराज, मथुरा की राजधानी है। राजा उग्रसेन का पुत्र है कंस, कंस के एक चाचा हैं जिनका नाम है देवक। श्री देवक जी महाराज की सात पुत्रियां हैं, छह का विवाह पहले हो चुका है, सातवीं पुत्री जिसका नाम है देवकी। विवाह के योग्य देवकी हो गई है। कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है, इसलिए अपनी बहन के लिए वर चुना अपनी ही सेना के सेनापति श्री वसुदेव जी महाराज को। शुभ वेला में शुभ घड़ी में दोनों का विवाह हुआ। और कहते हैं प्रभु कि आज विदाई का समय आया और कंस आज तारों की छांव में कहता है कि मैं स्वयं सारथी बनूंगा अपनी बहन के रथ का। रथ जोड़ा, सारथी बन के कंस ने रथ आगे बढ़ाया, परंतु होने को कुछ और मंजूर था। आज वो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी अति ही भयावनी सुनी गई थी सहसा प्रवेग से। पवित्र जो अष्टम पुत्र आवेगा वही बनेगा यमराज कंस का, वही बनेगा यमराज कंस का। प्रभु कंस क्रोधित तो होकर देवकी का वध करने के लिए उद्यत होता है। क्रूर तो था ही वो,
और कहते हैं निर्लज्ज ब्याज हो गया, देवकी के केशों को उसने पकड़ लिया, मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी महाराज खड़े हो गए, कंस को समझाने लगे, रे कंस एक स्त्री को मारेगा तेरी कीर्ति कलंकित तो हो जाएगी। कंस फिर भी नहीं माना, फिर मारने को उद्यत हुआ। कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य आए हुए संकट का निवारण पहले अपनी बुद्धि से करने का प्रयत्न करता है, जब बात बुद्धि से ना बने तब बल का प्रयोग करता है। फिर कंस ने को समझाया वसुदेव जी ने, रे कंस देख सुन, सबसे पहले तो ये एक स्त्री है, दूसरे तेरी बहन है, तीसरे नवविवाहित जोड़े में है, इसे मारेगा तू? आकाशवाणी का क्या है, आकाशवाणी तो झूठी भी हो सकती है, अगर सच्ची भी हो गई मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं हमारी जितनी संतानें होंगी सारी की सारी लाके मैं तुझे दे दूंगा। कंस वसुदेव के ऊपर बहुत भरोसा करता था, इसलिए दोनों को कारागृह में डाल दिया गया। समय बीता, पहला पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। प्रभु वसुदेव जी महाराज ने नियम के अनुसार वह पुत्र हाथ में लिया और कंस के पास लेके चले गए, कहा रे कंस ये हमारा पहला पुत्र, पापमती पुण्यमयी बन गई कुछ क्षण के लिए जैसे ही वो बालक हाथ में आया। प्रसन्न हुआ कंस, रे वसुदेव ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये तो छोटा सा बालक है, मुझे तो आठवें से भय है, इसे तुम ले जाओ। और जैसे ही अचंभित होके वसुदेव जी महाराज सोचने लगे ये पापमती कैसे पुण्यमयी बन गया, वापस ले जाने लगे, उसी समय नारद जी महाराज वीणा लेके आ गए। अरे कंस तूने अपनी मृत्यु को छोड़ दिया, कहा वो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, मेरी मृत्यु तो आठवां होगा। नारद जी मुस्कुराए, आठ रेखाएं खींची, कहा प्यारे वो मायावी है, वो विष्णु है, वो पहला आठवां हो सकता है, आठवां पहला हो सकता है, दूसरा पांचवां हो सकता है, छठा तीसरा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जानते थे नारद पाप का घड़ा ऊपर तक भर गया है, अब ये जितना जल्दी पूरा भर जाए और ये फूटे तब पाप का अंत हो जाए। नारद जी लीला को विश्राम कराने आए हैं आज, इसलिए पापमती जागी, कंस ने छोटे से बालक के पांव पकड़े और उठा के सीधे पत्थर के ऊपर दे मारा, सर फूटा और कहते हैं वो बालक वहीं समाप्त हो गया। करते करते छह पुत्रों को कंस ने मार डाला। सातवें गर्भ में आज श्री बलदाऊ जी महाराज पधारे, योग माया से आज भगवान ने कहते हैं उन्हें रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया और अष्टम गर्भ में आज स्वयं मेरे भगवान पधारे हैं। देवताओं ने क्षीर सागर में कहते हैं भगवान की स्तुति करी, आइए हम और आप सब भी भगवान की स्तुति करेंगे, सब हाथ जोड़ेंगे, भगवान पधारने वाले हैं। एक एक शब्द मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलना, संस्कृत बड़ी आसान सी है इसलिए एक शब्द सब बोल देंगे। सत्य व्रतम, सबने बोलना है, सब हाथ जोड़े सीधे बैठे बोलिए, सत्य व्रतम, सत्य व्रतम, सत्य परम, सत्य परम, त्रिसत्यम, त्रिसत्यम, सत्यशयोनिम, 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 निहितम च सत्ते, निहितम च सत्ते, सत्यस्य सत्यमृत, सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम, सत्यात्मकम, त्वाम त्वाम शरणं प्रपन्नः, शरणं प्रपन्न। बोलिए हे प्रभु आप सत्य स्वरूप सत्य संकल्प हैं, आपको
प्राप्त करने के लिए सत्य ही श्रेष्ठ साधन है। संसार की असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, पंच तत्व भी आपके ही द्वारा सत्य हैं। आपके द्वारा ही उत्पन्न स्थित पन का विनाश होता है। आपने अनेक अवतार धारण कर हमारी रक्षा करी है, अतः हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और प्रभु आज वो शुभ घड़ी आई, भादो मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि, और कहते हैं इसी शुभ घड़ी में आज मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ। नंद बाबा वहां पर दूसरी ओर की घटना है थोड़ी सी, कि वहां पर आज कहते हैं कि यशोमती मैया की स्थिति बताई गई वहां पर दूसरी ओर। संतति होने वाली है मैया के, नंद बाबा जन की अवस्था जो पूरे 80 वर्ष की है गई है। इनकी दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, दूसरी का सुनंदा। दोनों बहनें आई हुई हैं, प्रतीक्षा हो रही है कि महाराज आज लाला होएगा और खुशियां मनाई जाएंगी। तो सुनंदा और नंदा, महाराज वो सुनंदा अंदर जावे फिर बाहर आवे, फिर पूछे बाबा अरे सुनंदा कछु भयो है? सुनंदा फिर कह देना भैया कछु ना भयो है, महाराज फिर आवे फिर जावे, फिर आवे फिर जावे। और कहते हैं अंततः आज वो नीलमणि बालक रात्रि को दाई को भी जब निद्रा आ गई अर्धरात्रि में, तो आज वो शुभ घड़ी। कहते हैं आज वसुदेव जी महाराज अर्धरात्रि में लाला को लेके आ रहे हैं। लाला वहां पे पहुंच गए थे, वहां लेटा दिया था और कन्या को लेके वापस आ गए थे। तो इसलिए कैसे जा रहे हैं लेके, जरा स्वागत करें हम भगवान का थोड़े से भाव के साथ। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा, 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 शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, राधे।
स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा बताई गई साची मोती तक नाल कहाँ पे पायो है
ऐसे सीधे दोनों हाथ ऊपर उठा के तू भोले नंद बाबा भोले 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 हाँ ये चतुर शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई। और बंधुओं जो भी भक्तजन आज इस महोत्सव में इस कृष्ण जन्म महोत्सव में जुड़ना चाह रहे हैं हमारे ठाकुर जी हमारे पास हैं इसलिए तो इस उत्सव को मनाते हुए हम और आप सभी बड़े ही सद्भाव से आरती पावन पुरानी की आरती आरती I'm
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री निम्बारक भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। गंगा